अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज 3 मई 2023 रात का समय है और 8:10 को ये वीडियो शूट हो रहा है। ऑलमोस्ट आप में से कई लोगों तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि क्रेमलिन पे ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। क्रेमलिन मतलब मॉस्को में पुतिन साहब का ऑफिस, जहां से वो काम करते हैं, वहां पे यूक्रेनियन ड्रोन ने अटैक करने की कोशिश की। अब क्या होगा जेलेंस्की का सबसे बड़ी भविष्यवाणी? जो कुछ भी रशिया यूक्रेन युद्ध में चल रहा था, रशिया अपफ्रंट में भी दिख रहा था, तब अचानक 24 अप्रैल 2023 को इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्रिडिक्शन की गई कि क्रीमिया पर होगा हमला, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। छोटा सा वीडियो था, दिखाने कुछ क्लिप्स दिखाने जरूरी है क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे। अब तो तब वो बिल्कुल कल्पना से परे लग सकता था कि रशिया तो जीत रहा है और आप ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि क्रीमिया के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन क्रीमिया के ऊपर भी हमला हुआ, क्रीमिया का जो सैन्य कुछ शस्त्रागार, मतलब उनका गोडाउन वगैरह था, उनके ऊपर भी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की खबर है कि वहां पे भी हमला हुआ था। और आज तो क्रेमलिन के ऊपर हमला किया गया। पहले वो वीडियो क्लिप सुन लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि अब क्या होगा जेलेंस्की का। 24 अप्रैल 2023 का ये वीडियो है क्रीमिया पर हमले की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। सूर्य ग्रहण लगा, उसके बाद चंडाल दोष का निर्माण हुआ और 10 मई से शनि मंगल का षडाष्टक योग भी शुरू हुआ। बीच में चंद्र ग्रहण भी आने वाला है। ये जो बैक टू बैक खगोलीय घटनाएं बनने वाली है, उसका प्रभाव दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग रूप से पड़ेगा। आज इस प्रिडिक्शन में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन युद्ध में आगे क्या हो सकता है। पिछले कई महीनों से रशिया एग्रेसिव रहा है और यूक्रेन बैकफुट पे ज्यादा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी जो समय का कालखंड आ रहा है, वहां पे रशिया के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है। रशिया वैसे क्रीमिया ब्रिज के ऊपर यूक्रेन पहले भी विस्फोट कर चुका है, हमला कर चुका है, रशिया ने उसे फिर से पूर्ववत कर दिया। लेकिन ये जो सारे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में यूक्रेन क्रीमिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। या फिर पूरी लंबी क्लिप दिखाने वाला नहीं हूँ, क्रीमिया के शस्त्रागार के ऊपर भी 2-3 दिन पहले ही अटैक हुआ था, लेकिन क्योंकि ये अभूतपूर्व आर्थिक मंदी और उसकी सीरीज चल रही थी, तो बीच में हम उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाए। हमने सोचा कि भाई छोटा मोटा हमला है, ये शायद कर दिया होगा। लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद क्रेमलिन का जो पहला स्टेटमेंट था वो ये है कि पुतिन को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन साहब उस समय पे वहीं थे। अब क्या होगा जेलेंस्की का? वो जो प्रिडिक्शन में अभी आपको दिखाया गया वो हिमाकत यूक्रेन ने कर दी। उस वीडियो में लास्ट में कहा गया है कि अगर ये हिमाकत कर देता है क्रीमिया पर हमले की, तो फिर यूक्रेन के बुरे दिन आने वाले हैं। ये तो एक स्टेप आगे बढ़ गया, क्रीमिया पे तो हमला हुआ उसके शस्त्रागार पे, आज क्रेमलिन पे ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। तो अब किस प्रकार से रशिया जवाबी कार्यवाही करेगा और वो कौन सा समय अंतराल है जो जेलेंस्की के लिए बहुत ही कठिन रहने वाला है? वो समय अंतराल ज्योतिषीय रूप से हमें दिख रहा है 18 जून 2023 से लेकर 5 नवंबर 2023 का पहला समय अंतराल है। अगर अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि जेलेंस्की फिनलैंड में है और अनिश्चित काल तक वहीं पे रहेंगे, बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन है,
क्योंकि फिनलैंड को अभी अभी नाटो में शामिल किया गया है। फिनलैंड में जाके जेलेंस्की के ऊपर हमला करना मतलब नाटो के देश के ऊपर हमला करना, मतलब सीधी नाटो के साथ जंग की कोशिश। तो अभी ये महाशय वहां पे अनिश्चित काल तक जो न्यूज दिखा रहे हैं कि वहां पे रहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, देश का जो हो, देश की प्रजा का जो हो, लेकिन ये वहां पे रहेंगे। ज्योतिषीय रूप से बात करें तो 18 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 का ये जो समय का कालखंड है, ये जेलेंस्की साहब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा। अच्छा होगा कि नवंबर के पहले सप्ताह तक फिनलैंड में ही रहे, या फिर वापिस आए तो इस समय अंतराल में वापिस चले जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन में आए और अब तो पूरी तरह से पुतिन साहब पीछे पड़ जाएंगे। ये समय का कालखंड बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा। इससे बच गए तो फिर 2024 में और भी एक कालखंड है, लेकिन इससे ये बहुत लंबा समय अंतराल है। हम जब 18 जून 2023 से लेकर 5 नवंबर 2023 की बात कर रहे हैं, 4 या 5 नवंबर तक की, ये लंबा समय अंतराल है जेलेंस्की साहब को सर्वाइव करने के लिए। देखते हैं कि क्या होता है। अगर यहाँ पे हत्थे चढ़ गए तो बचना मुश्किल है। इस बार शायद पुतिन नहीं छोड़ेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब 24 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ पुतिन साहब की जो डिप्लोमेटिक बात हुई थी, उसमें पुतिन साहब ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को वचन दिया था कि चाहे जो भी परिस्थितियां बने युद्ध में, लेकिन मैं जेलेंस्की को नहीं मारूंगा। यहाँ पे तो खेल उल्टा करने की कोशिश की गई है। और जो उस प्रिडिक्शन में भी बताया गया था, पूरी प्रिडिक्शन सुनिएगा, कि अब यूक्रेन के बुरे दिन आ रहे हैं। 10 मई से षडाष्टक योग भी बनेगा शनि मंगल का, और 18 जून से शनिदेव जब वक्री होंगे, ये जो वक्री शनि वाला समय रहेगा जो ऑलमोस्ट 4 या 5 नवंबर तक चलेगा, ये शनिदेव का वक्री होने वाला समय मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में जेलेंस्की साहब के लिए ठीक नहीं दिख रहा। हत्थे चढ़ गए तो बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि और एक ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिले जेलेंस्की साहब के लिए। और अब देखते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां बनती है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि इस कालखंड में क्या होता है जेलेंस्की साहब के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से कि आपने जो बताया वो हो गया, अब क्या हो सकता है। कैलकुलेशन चल रही थी, नो डाउट 5 मिनट में तो ये कैलकुलेशन होती नहीं है, तो शायद शाम हो गई आप तक ये वीडियो पहुँचाते। नोट करके रखिएगा इस प्रिडिक्शन को, ये आने वाले समय में देखेंगे कि घटनाक्रम किस तरह से आकार लेता है। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।